day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Good afternoon, Jesse Krishna. Welcome back to Pujan Diaries. कैसे हो friends? आप सब हम एकदम मस्त और हम जॉब से जस्ट निकल गए हैं और आज की छुट्टी तो आधी जॉब पर ख़त्म कर दी हमने, तो बस कुछ नहीं, दिन बहुत अच्छा रहा, छुट्टी के दिन भी गए पर अच्छा रहा, है ना। हम दोनों का आज इतना बिजी नहीं था तो थोड़ा मज़ा आ गया काम करने का भी, तो बस कुछ नहीं, अभी जा रहे हैं डायरेक्ट कॉस्को क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गया है घर पे। टूथपेस्ट ख़त्म हो गया। तीन चार दिन से तो चला रहे थे, फिर आज तो सोचा कि जाना ही पड़ेगा लेने, क्योंकि आज मतलब ऐसा निकल भी जा सकते थे पर सोचा चलो आज चले ही जाते हैं, तो बस चलते हैं कॉस्को। और आज विंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब, तो कार भी हिल रही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कैसे चले। तो बस वैसा है, पर चलिए चलते हैं कॉस्को और वहाँ से। और आज मुझे बहुत भूख लगी, हम दोनों को बहुत भूख लगी, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद घर पे मंडे का वो पेट को भी आदत हो गई होगी ना, कि बहुत कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसलिए शायद अगर जल्दी घर पहुंच गए तो शायद सोच रहे हो कि आज चाय बना के पी लूंगी। सुबह तो मैंने आज ग्रीन टी ही पी थी, अभी जॉब पर तो मैं ग्रीन टी ही पी रही हूँ, मैं चाय सुबह छोड़ी दी है मैंने, तो आफ्टरनून में अगर पॉसिबल हो पाए, कभी कभी इच्छा हो जाए तो मैं पी लेती हूँ। तो बस चलिए चलते हैं कॉस्को, वो आज तो मंडे है तो इतना पब्लिक नहीं होगा वहाँ पर भी, तो फटाफट से निकल आएंगे ख़त्म करके। तो आ गए फ्रेंड्स कॉस्को, और गैस स्टेशन पे बहुत लाइन थी तो हमें बहुत टाइम लग गया वहाँ पर, ऑलमोस्ट 20 मिनट जैसा तो हो ही गया। और अभी जा रहे हैं अंदर, ठंड थोड़ी कम है पर विंडी की वजह से ज़्यादा फील होता है। बस चलते हैं, जनक बोल रहे भूख लगी है, मैंने बोला कॉस्को में से एक स्लाइस पिज्ज़ा ले लो और खा लो, है ना, नहीं खाने हमें पसंद ही नहीं है अभी उसका, एक बार बड़ा सा लेकर गए थे ना तब से अभी कॉस्को का पिज़्ज़ा हमने कैंसिल कर दिया है, पसंद ही नहीं है, ठान लिया है हमने, अभी सिर्फ पिज़्ज़ा खाएंगे, सिर्फ डोमिनोज वही पसंद है बस। फ्रेंड्स ले लिया, ज़्यादा नहीं था आज तो, इसलिए फटाफट से ख़त्म हो गया। और अभी बिल पेमेंट करके निकलते हैं बाहर, टूथपेस्ट मिल गया है बड़ा सा पैकेट, चलन कहाँ जाऊँ सो बस अभी जो ले आऊँगी, फटाफट से कर देते हैं अभी पेमेंट करके, फटाफट से करके निकलते हैं। ये रहा हमारा टूथपेस्ट का पैकेट, और सेंसोडाइन देखा माइक, और सेंसोडाइन तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो हमारा क्वालिटी ले लिया है, चलिए ख़त्म, आज ज़्यादा नहीं है। और चले निकला है बाहर, अभी टमाटर भी खत्म हो गए हैं। हमने सोचा था कि मंडे है तो थोड़ा पब्लिक कम होगा, पर मंडे को भी पता नहीं, किसी को शांति नहीं, इतना अभी हम भी आए हैं उसमें कोई नई बात नहीं है, और बहुत पब्लिक था आज भी। बस तो फटाफट से रख के चलते हैं, यहाँ ही आगे लिडल में टमाटर वो सब लेना है। चलो पहले खोल दो यार मंदिर में बहुत ठंडी हो गई हूँ फ्रेंड्स बहुत विंडी है बाहर, तो ठंड सी लग गई, कार में आया अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा जनक पीछे सामान रख रहे हैं, तो बस चलते हैं। टमाटर एक भी नहीं है घर पर, इसीलिए जाना ही पड़ेगा लेने के लिए, तो बस कुछ नहीं, ये है हाल जॉब पर से लेने के लिए। हमारे यहाँ तो हमें तुरंत सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ये सब काम थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर आप सब मतलब सब साथ में रहते हो ना तो थोड़ा इजी रहता है हर चीज़, पर ये हमें हर मतलब सब कुछ अकेले ही सब करना पड़ता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा टफ है, पर अभी कुछ नहीं हो जाएगा, और क्या चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। जनक को भी ठंड लग गई है
एटमॉस्फेयर मस्त लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब बाहर निकले और आपको बाहर का व्यू ना दिखा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस जा रहे हैं घर और देखते हैं घर जाकर जल्दी से थोड़ा पहुंचे तो चाय नाश्ता करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट किचन में लगना पड़ेगा क्योंकि 4:30 हो गए हैं और एनर्जी तो डाउन है मेरी क्योंकि बहुत भूख लगी है मुझे, ना मेरे में बोलने की हिम्मत है। और ये भाई साहब देखिए क्या कर रहे हैं, पता नहीं, उनकी भी हालत टाइट है इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल रहे, उनको भी भूख लगी है। हालत टाइट हो गई है दोनों को, दोनों को बहुत भूख लगी है। तो बस चलिए फ्रेंड्स चलते हैं घर, और कुछ नहीं आज की छुट्टी तो खत्म, आधी जॉब पर और आधी अभी घर जाकर, और वापस एक वीक के लिए जाना पड़ेगा। ये देखिए नींद लेते हुए बहुत आर्मी का व्यू देखो, चलिए आपको व्यू दिखाती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और शाम के बज चुके हैं 6:15 और हम घर आके चाय नाश्ता किया और फ्री तो नहीं हुए हैं, अभी काम पे लगे हैं, फ्री नहीं अभी काम पे लगे हैं। तो ऑफिस का काम खत्म करके अभी घर का काम करेंगे, और हमारा लहसुन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये हुड़ी में आ गए हैं, हुड़ी का रास पता ही है। हाँ तो वो घर करना हो इसलिए हुड़ी पहन ली है वापस। आज और अभी थोड़ी एनर्जी आई है क्योंकि आके पहले पेट पूजा की है दोनों ने और अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये फराड़ी खाखरा जो हमारे बंद हो गए ना, बहुत ना ही मंदिर में मिल रहे हैं ना ही पटेल ब्रदर में मिल रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ। अभी तो लग रहा है कि हमारा फराड़ी हम कितने महीनों के लिए लाए थे 2 महीने में ही खत्म हो गया, इसलिए अभी वापस जाऊंगी तब पूरी कार्ड भर के जितना होगा वो सारा अंदर से भी मांग ले, अंदर जितना स्टॉक हो वो दे दो। हाँ, हमें अभी मुझे लाना ही पड़ेगा क्योंकि और आज बहुत दिनों के बाद हम बना रहे हैं चौरा, मतलब बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। यस, और मैं इस बार वो मग पड़ा वो आपने बोला था ना, हाँ वो करना भूल गई हूँ। आज सुबह भिगोना भूल गई ना अभी मैं, तो अभी कोई चॉइस नहीं है। 2 हफ्तों से मुझे बस टाइम है पपड़ो दे रहे हैं। हाँ तो अभी कुछ नहीं और क्या है, मैक तो वहाँ नाके पे जाके ले आओ और क्या। हाँ इंडिया में होते तो भूल जाते, नाका पर से ले आओ ना। अभी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, तो अभी नेक्स्ट वीक क्योंकि ये बुधवार का हमारा नाका वही है, नेक्स्ट वीक ऐसा हो तो संडे ही कर देंगे, छुट्टी में ही कर देंगे। और अभी बाद में अगर हमारा लहसुन हो गया तो हम बनाएंगे उंधिया, और हम बनाएंगे उंधिया पार्टी, करेंगे उंधिया पार्टी। यस करेंगे उंधिया पार्टी, चपाती जलेबी सेव और उसके साथ बहुत कुछ। कहाँ से आएगी जलेबी, आप कोई फिक्र मत कीजिए, आप बना दो, हम बैठे हैं यहाँ पर, मास्टर शेफ बैठे हैं। यस डोंट वरी। चलिए तो अभी जल्दी से बना क्योंकि भूख तो मतलब खाना नाश्ता ही किया है बहुत कुछ, तो जल्दी जल्दी बना के आज जल्दी खा लेंगे। बस अभी खाना खराब करके बैठ गए आराम से वापस हमारी जगह पे, हमारा ये क्या बोलते हैं सिंहासन, तो उस पे हमारी जगह हमने ले ली है और खाना सब रेडी। चलो आपको मेरा चौरा का साग दिखाती हूँ फ्रेंड्स, चौरा है ना टेस्ट। तो बस चलिए चौरा का साग खाते हैं, और वो भी हमारा पंजाबी अचार के साथ। तो बस बहुत ज़ोरों की भूख लगी है मुझे, तभी खाना खाते हैं और ब्लॉग का एंड करते हैं, और मिलते हैं कल ऐसे ही वापस, जॉब पे जाएंगे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग का एंड कर दे, जनक एडिटिंग पे लगे हुए हैं थोड़ा, तो बस और बाद में
झलक दिखला जा देखेंगे आज, मजा आ जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल वापस ऐसे ही, तब तक आप भी खुश रहिए, मस्त खाते पीते रहिए और एंजॉय कीजिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, बोल दो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।